नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। यहां पर देखिए, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, साइज ऑफ बैक्टीरिया लिखना है, ठीक है बच्चों। साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए हम इसको करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले मैं वही करता हूँ, इसको आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 5 डिवाइड का साइन लगाइए पॉइंट के लिए, ये पॉइंट है, पॉइंट के लिए यहाँ पे 1 लगाए, पॉइंट के पीछे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 लगाए 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखिए, हाँ ये मीटर बच्चों, ये मैं करना भूल गया। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो मैंने पहले पार्ट बताए थे उनमें ये जो आया है ये है कॉलम, तो हम इसके आगे कॉलम लिख देंगे, सी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी, उसके अंदर तो चलो कुछ नहीं था, तो जो भी दिया हुआ है उसके अंदर इसमें कॉलम है तो कॉलम ये आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये पर यहाँ पर मैं इसको दिखा रहा हूँ मीटर, ठीक है, ये मीटर दिया हुआ है या जो भी है, इसके मिलीमीटर है, मीटर ही, एम से मीटर ही मानते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब इसको कर लेते हैं, मिलीमीटर होता तो एमएम होता। आइए अब इक्वल 5, अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 10^7 में चेंज कर देंगे। और इसको लिखने के लिए फिर मैं वही करता हूँ, 5 × 1, 5 × 5 5 ही रहेगा, और इस पावर को हम इधर लिख लेते हैं 10^7, ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या है, इस पावर को नेगेटिव में लेना है, तो नेगेटिव में लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप रेसिप्रोकल बना देंगे 10^-7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं, मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।